नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे IRCTC रेलवे का जो यहाँ पर एजेंट पोर्टल होता है उसका रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर CSC के थ्रू बड़ी ही आसानी से आप IRCTC के लिए यहाँ पर एजेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी से यहाँ पर एजेंट बन सकते हैं, जिसके बाद आप यहाँ पर IRCTC रेलवे की जो भी टिकट संबंधी सर्विसेज होती हैं और इससे रिलेटेड अन्य सर्विसेज होती हैं उनका लाभ कस्टमर को दे सकते हैं और अच्छी अर्निंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन भरेंगे, क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले हम अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को इस तरीके से लॉगिन कर लेंगे। जब हम इसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे IRCTC। जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा IRCTC रजिस्ट्रेशन, या आप इसे एंटर प्रेस करके इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। एक तो दिख जाएगा रेलवे टिकट बुकिंग और सेकंड नंबर पे दिखेगा IRCTC रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर CSC IRCTC के पोर्टल पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब अगर आपने अपना पहले से ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप अपना यहाँ पर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखाया जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर दिखेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एक फिलअप करनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपका फिलअप करना है और यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर देना होगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप वही देंगे जो कि आपका IRCTC से पहले से ही कनेक्ट ना हुआ, मतलब कि आपका जो भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रहेगा उससे आपका IRCTC में पहले से अकाउंट नहीं होना चाहिए। अब ये सारी डिटेल भर के आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम रहेगा, यहाँ पर आपका लास्ट नेम रहेगा और यहाँ पर आपका मिडल नेम है तो मिडल नेम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम भरना है, आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पहले से ही फिलअप दिख जाएगा। यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको IRCTC पोर्टल लॉगिन करने में मदद करेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर BLE प्रोफाइल CSC सेंटर की डिटेल आपको देनी है, जैसे आपके सेंटर का नाम क्या है, आपके सेंटर का एड्रेस का पिन कोड क्या है। यहाँ पर आपको कंप्लीट जो भी जैसे आप फिलअप करेंगे पिन कोड तो सारी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है और यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस में अपने CSC सेंटर का एड्रेस फिलअप करना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एड्रेस ही यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड डिटेल में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड यानी कि BLE का पैन कार्ड अपलोड करना होगा जो कि यहाँ पर JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और इसका साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपका CSC सेंटर का जो यहाँ पर एड्रेस प्रूफ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, डोमेसाइल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यहाँ पर जो भी आप चाहें। जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो रहेगा हमारे CSC सेंटर का उसे हम यहाँ पर चूज करेंगे और इसे यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। इसका साइज भी 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद इनकी टर्म कंडीशन जो यहाँ पर है इन्हें हम ऐसे चेक मार्क कर देंगे और उसके बाद पे एंड सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आपने डिटेल फिलअप की है वो दिख जाएंगी, जैसे कि आपका यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा 1000 रुपए का, इसको आपको यहाँ पर पे करना होगा। अब आपके सामने इस तरीके से पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना CSC पासवर्ड डालेंगे और आपका बैलेट पेन डाल के पेमेंट को यहाँ पर सक्सेसफुल कर देंगे। जैसे ही आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का यहाँ पर वेट करना होता है, क्योंकि 10 से 15 दिन लग जाते हैं आपकी आईडी को जनरेट होने में। आपको किस तरीके से पता करना है आपकी आईडी जनरेट हो गई या नहीं हुई, उसके लिए आपको फिर से इसी पेज पर आना होता है। यहाँ पर सर्विसेज वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको देखेगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी CSC आईडी पहले से ही फिलअप दिखेगी। यहाँ पर आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर दिया था मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सर्च कर देंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल खुल के आ जाएगी कि आपका एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो गया यानी कि सक्सेसफुल ले लिया गया है, आपकी आईडी क्रिएट हो गई या अभी नहीं हुई या रिजेक्ट हो गई या जो भी समस्या रही आपको यहीं से दिख जाएगी। अगर आपकी आईडी क्रिएट हो गई है तो आपको यहाँ पर अपना डाउनलोड सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में आना है और यहाँ से आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है। इस सर्टिफिकेट को आप अपने CSC सेंटर पर लगा सकते हैं।
अब आपको यहाँ पर अगर कोई बाई मिस्टेक कोई आपकी डिटेल यहाँ पर गलत हो गई है तो उसे सुधारने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आना होता है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जैसे यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर कोई भी जो अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर गलत हो गया है तो इस पर आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हैं। मोबाइल या ईमेल आईडी आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके मोबाइल ईमेल आईडी को भी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर आईडी जनरेट हो गई और आप यहाँ पर सक्सेसफुली IRCTC के एजेंट बन गए हैं तो आपको यहाँ पर अब ट्रेन टिकट बुक कैसे करना है उसके लिए हम फिर से यहाँ पर डिजिटल सेवा पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर हमने IRCTC लिख के जैसे ही सर्च किया था तो यहाँ पर हमने यहाँ पर IRCTC रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया था, पर अब हमारी यहाँ पर आईडी जनरेट हो गई है। अब हम यहाँ पर IRCTC रेलवे टिकट बुकिंग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो टिकट बुकिंग पोर्टल है वो खुल के आ जाएगा। इसी पोर्टल के थ्रू हमें यहाँ पर जो भी काम होता है सारा काम करना होता है। यहाँ पर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी CSC ID के थ्रू यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर IRCTC से जुड़े सारे काम कर सकते हैं जैसे कि ट्रेन टिकट बुकिंग वगैरह हो गई और जो भी इससे संबंधित कार्य हैं सारे कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें आपको अच्छा खासा कमीशन भी CSC के तरफ से दिया जाता है। तो आशा करता हूँ जो भी प्रोसेस आपको बताया है CSC के थ्रू IRCTC एजेंट बनने का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में या आपका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर आपको ये समस्या आ रही है या कोई अन्य समस्या आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा, मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।